अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रईस अहमद और आप देख रहे हैं रईस अहमद ऑफिशियल चैनल की एक और वीडियो। आज की वीडियो में ये एयरगन फॉर सेल है, मॉडल है जी हेडसन स्ट्राइकर एच 1100 मेड इन तुर्की, 0.22 कैलिबर में है ये। करीब से मैं आपको दिखा देता हूं और इसके मुतल्लिक इसकी डिटेल भी आपसे शेयर कर देता हूं। तो सिंथेटिक स्टॉक है, कैमो कलर में है ये जी, रबर बट पैड है, ठीक है। स्टॉक का कलर भी खूबसूरत है और मजबूत स्टॉक है, ठीक है, हॉलो नहीं है। डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। पिस्टल ग्रिप पर चेक रिंग्स दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी चेक रिंग्स दिए गए हैं, ठीक है। ट्रिगर गार्ड प्लास्टिक का है, ट्रिगर भी प्लास्टिक का है। ट्रिगर इसका 1 स्टेज है, 2 स्टेज नहीं है, लेकिन लाइट है, हार्ड ट्रिगर नहीं है। सेफ्टी लॉक ऑटो है, जो ही लोड करेंगे ऑटोमेटिक सेफ्टी लॉक लग जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे करेंगे तब ये फायर करेगी, ठीक है। स्कोप लगाने के लिए 11 mm की डवटेल रेल दी गई है, ऊपर माउंट स्टॉपर होल भी दिए गए हैं और माउंट स्टॉपर भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसका हेडसन का लोगो बना हुआ है, हेडसन एच 1100 लिखा हुआ है, ठीक है। साइट इसकी जो है ना, रेयर साइट एडजस्टेबल है, अप डाउन और लेफ्ट राइट एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी प्लास्टिक की है, ठीक है। उसके बाद ये स्प्रेसर टैब है, लेकिन स्प्रेसर नहीं है, ठीक है, एक डिज़ाइन बना हुआ है। फ्रंट साइड इसकी एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स है, और ये रेड डॉट इसमें बना हुआ है। रेयर साइड पर 2 ग्रीन डॉट बने हुए हैं, ठीक है। रिपेयर हुई है ये, रिपेयरिंग में क्या हुआ जी, रिपेयरिंग में इसका स्प्रिंग और पिस्टन सील चेंज हुई है। ओरिजिनल स्प्रिंग है, ओरिजिनल पिस्टन सील है 100%, ठीक है। अच्छा, पावर और एक्यूरेसी ठीक है। उसके बाद इसके बैरल स्टॉपर की बात करें तो बैरल स्टॉपर इसका मेटल का है, टूटता नहीं है, लूजिंग नहीं आती उसमें, ठीक है। बाकी कंडीशन भी इसकी तकरीबन ठीक है। कुछ स्क्रैच हैं इसके ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये जगह, ठीक है, उसके बाद ये वाली जगह, स्क्रैच से मुराद कलर थोड़ा सा उतरा हुआ है, ठीक है, और इस जगह पर, ठीक है, बाकी बिल्कुल ओके है। तकरीबन 10 में से 8% कंडीशन कह सकते हैं इसकी, ठीक है। अब मैं इसकी प्राइस आपको बता देता हूँ, प्राइस इसकी है जी 18,000 रुपये विद डिलीवरी, 18,000 विद डिलीवरी आपको मिल जाएगी, और इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी जो कीमत में होगी वो कर दी जाएगी, ठीक है। कस्टमर की जो अभी मतलब डिमांड है वो 18,000 है, लेकिन थोड़ा बहुत कंसेशन आपको इसमें करवा देंगे, ठीक है। बाकी चीज़ आपने चेक कर ली, एक्यूरेसी भी ठीक है, पावर भी ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल स्प्रिंग और पिस्टन सील के साथ। एक और चीज़ मैं भूल गया, वो मैं आपसे शेयर कर दूं, स्टॉक का एक नट इसका चेंज है, ये वाला, ठीक है, ये वाला नट इसका चेंज है। इस साइड पे ओरिजिनल है, ये वाला नट भी ओरिजिनल है, लेकिन ये वाला चेंज है, ये तब्दील हुआ हुआ है, दूसरा लगा हुआ है, ठीक है। बाकी आपके सामने है, प्राइस मैंने आपको बता दिया है। ख़रीदने के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर आपको नज़र आ रहा है, इस नंबर पर रब्ता करके आप इसे ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान।